अलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और गर्मियों की छुट्टियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम जमाए शीशम से उर्दू का सबक मलका कोहसार की सैर, उसके बारे में आज जानेंगे। बेटा, मलका कोहसार मरी को कहा जाता है, जो कि सूबा पंजाब में वाक़ है। मरी सदर समंदर से तकरीबन 750 फीट बुलंद है। ये सूबा पंजाब के खूबसूरत तरीन और पाकिस्तान के बेहतरीन से अफजा तफरी और सियाती मकाम में से एक है। इसकी अगर हम खूबसूरती की बात करें तो इसकी दिल फरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से ही इसे मलका कोहसार कहा जाता है। कुदरती पानी के चश्मे और मुख्तलिफ रंगों के फूल इस वादी के हुसन को बढ़ाते हैं। मरी एक मरकजी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, जिसे माल रोड कहते हैं। ये मरी की मारूफ शाहराह है। शहर का बेशतर तजारती हिस्सा इसी के दोनों जानिब फैला हुआ है। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं, जहां बाहर से आने वाले सियाह क्याम करते हैं। स्टूडेंट, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आप मज़ीद मरी की खूबसूरती के बारे में जान सकेंगे। इसी के साथ आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नसर को फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकेंगे और आप ज़रबुल अमसाल के बारे में जान सकेंगे। बेटा, ज़रबुल अमसाल दो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, ज़रब और अमसाल। ज़रब का मतलब है बयान करना और अमसाल जमा है। मिसालों के यूँ इसके मायने हैं मिसालें बयान करना। ये मिसालें बहुत ख़ास होती हैं, जिनके पीछे कोई किस्सा या वाक़या छुपा होता है। ज़रबुल अमसाल को कहावत भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे चंद ज़रबुल अमसाल दिए गए हैं, जैसा कि उल्टे बांस बरेली को, यानी उल्टा काम करना, काम ख़राब करना, आप काज महाकाज, यानी आप काम करना बेहतर होता है। इसी के साथ बेटा, आप ग्रोही अल्फाज या मुतलाजिम अल्फाज के बारे में जान सकेंगे। फ्रेंड, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज ऐसे हैं जिनको ज़बान पर लाते हैं, इनसे मुतलका बहुत से अल्फाज हमारे जहन में आ जाते हैं। जैसा कि अगर मैं गर्मी की बात करूँ, गर्मी का नाम लूँ, तो गर्मी का जिक्र आते ही हमारे जहन में तेज़ धूप, गर्म हवा, साया और प्यास का तसव्वुर आ जाएगा। तमाम अल्फाज एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम हैं। हवा मुतजाद ही क्यों ना हो, उन्हें मुतराजिम अल्फाज कहते हैं। ये स्टूडेंट, अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।